जसमीन एक बात तय है कि हम जो पाकिस्तान में जितने भी इदारे रहे हैं, जितने सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी रहे हैं, आप सबको ले लें, ठीक, हम सबका एक कंट्रीब्यूशन रहा है कि जो तनजली हुई है इस मुल्क में हर हवाले से, स्टेट लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, हम सब जिम्मेदार हैं। अगर कोई किसी एक जगह पे जाके ये कहे कि जी आज मैं हीरो बनना चाहता हूं इस वजह से कि मुझे आज समझ आई है कि ये मामला ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है। हम एक इंफ्रादी लेवल पर और कलेक्टिव लेवल पर हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे पार्लियामेंट हो, हम सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। एक ये ऐसा नहीं हो सकता कि सोसाइटी के कुछ सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल थे और कुछ नहीं थे, कुछ रियासती इदारे रिस्पॉन्सिबल थे, कुछ नहीं थे, ऐसा नहीं है। फ्रॉम द डे वन जब जब कोई बात आई है, जब जब कोई मौका आया, रियासती इदारे हों या सोसाइटी के जितने भी सेगमेंट हो, जितने भी तबकात हैं, ये तमाम के तमाम किसी ना किसी वजह से बदकिस्मती से नाकाम होते रहे। उसके बाद एक मौका आता है जब मैं अपनी जिम्मेदारी जैस्मीन मंजूर पे डाल रहा होता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी जो है ना हुमा बकाई पे डाल रहा होता हूँ, या जनरल इजाज अवान पे डाल रहा होता हूँ। ये जो टेंडेंसी है ना हमारी कि जू ही नाकाम हुए, जू ही डिस्क्रेडिट हुए, जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दी, इस तरह मुल्क में कभी भी चेंज नहीं आएगा, कभी तब्दीली नहीं आएगी। एक वक्त होता है, एक एक्टिविज्म आता है, वो चाहे मीडिया का हो, चाहे जुडिशरी का हो, चाहे किसी इदारे का हो, वो जो एक्टिविज्म आता है ना, उस एक्टिविज्म में हम ये बता रहे होते हैं कि जी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये जिम्मेदार है। इस वक्त इसको किस तरह देख रहे हैं आप, या आप इसको एक्टिविज्म देख रहे हैं, चाहे वो जैसे आपने पढ़ा होगा डॉन में भी लिखा, मेरे ख्याल से जाहिद हुसैन साहब रोड दे से, उन्होंने लिखा इज इट द चीफ्स डॉक्ट्रिन क्वेश्चन मार्क, और कहा कि जी ये इवन डीजी आईएसपीआर ने एक जगह कोट किया ऑन द टेलीविजन एंड ही सेड के जनरल बाजवाज डॉक्ट्रिन। तो उन्होंने कहा भाई ये डॉक्ट्रिन हम बहुत देखते रहे हैं, पॉजिटिव चीजें भी हैं लेकिन उसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें भी है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? अगर मैं अपनी जिम्मेदारी अब्दुल सत्तार खान एज एन एंकर पर्सन, मीडिया पर्सन, अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ठीक, और दूसरी तरफ एक और बंदा है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो डिसाइड कौन करेगा? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में आके हमने अपने आप को अच्छा और दूसरे को बुरा कहना होता है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम रहेगी, है और थी, और ये हमेशा रहेगी। जो ही मैंने रियलाइज करना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्तार खान की थी, मैं कहता हूं कि अब्दुल सत्तार खान नाकाम हो गया अपनी जिम्मेदारी निभाने में, उस दिन बेहतरी की तरफ पहला स्टेप जाएगा। अगर हमने कहना कि जी हम तो ठीक थे, दूसरा खराब था, दूसरा कहेगा जी मैं तो ठीक था, तीसरा खराब था, तीसरा कहेगा जी मैं तो ठीक था, चौथा खराब था, तो ये मामला यहीं पर रहेंगे।